आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना सुबह से। तो अभी अप्रॉक्स हो रहे हैं 7:30, सो मुझे निकलना है 8 o'clock। तो अभी फ़िलहाल मेरी पोस्टिंग लग रही है GRR में, मींस गायनी रिसीविंग रूम में। एंड GRR से जब हमारे ये 1 week की है तो उसमें से 2 दिन हमें IVF जाना होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर में। तो आज मैं आपको वहीं का दिखाऊंगी। एंड IVF प्रोसीजर जो है वो लास्ट 2 ईयर से शुरू हुआ है। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं IVF सेंटर एंड यहाँ पे हमें शू कवर पहनने होते हैं। तो यहाँ से हमारी एंट्री है, तो हम पहले जाते हैं अंदर। तो इस तरीके से रेड जोन का लेबल लगा रखा है। तो जैसे ही हम घुसते हैं तो फर्स्ट रूम जो है वो एंड्रोलॉजी लैब का होता है, तो इसके अंदर सैंपल्स बनते हैं। तो आपको इधर दिख रहा होगा ट्रेज लिखी हुई है, तो यहाँ पे सारी ट्रेज होती है, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, PV ट्रे है। एंड यहाँ पे सारी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, यहाँ पे सीमेन कलेक्शन इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर जो है BETA SCG का रजिस्टर रखा हुआ है, एंट्री करनी होती है। एंड यहाँ पे सारी वाइल्स रखी हुई हैं। एंड ये हीटिंग सेंट्रीफ्यूज है, तो इस तरीके से यहाँ पे एंड्रोलॉजी के लिए होते हैं। एंड यहाँ पे जो 2 मशीनें, एक ड्राई इनक्यूबेटर है इसमें, और ये वाला जो है लैब इनक्यूबेटर है। एंड देन ये लेमिनर एयर फ्लो चैम्बर है, ये माइक्रोस्कोप रखा हुआ है। तो सारे सेटअप है फॉर एंड्रोलॉजी लैब। देन उसके बाद आता है रिकवरी रूम। तो यहाँ पे पेशेंट थोड़े टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे रेस्टिंग पीरियड में रहता है। तो यहाँ पे एक एम्बुलेटरी बैग होता है, ये वेंटिलेटर मॉनिटर है। एंड यहाँ पे ह्यूमिडिफायर है विद ऑक्सीजन मास्क। एंड यहाँ पे पाइपलाइंस डली हुई हैं। तो येलो पाइपलाइन आपको पता है मेडिकल एयर के लिए होती है, एंड ब्लू पाइपलाइन फॉर नाइट्रस ऑक्साइड के लिए होती है। एंड देन यहाँ पे ये बेड मॉनिटर है, बेड को एलिवेट करने के लिए, डाउन करने के लिए, पोजीशन करने के लिए। सो टोटल 3 बेड्स हैं रिकवरी रूम में। देन उसके बाद ये है इंजेक्शन रूम। तो इंजेक्शन रूम में, छोटा सा इंजेक्शन रूम है, यहाँ पे सारी इमरजेंसी ड्रग्स लिखी हुई हैं चार्ट पर। एंड ये सारी हमारी जितनी भी साउंड अलाइक मेडिकेशंस हैं वो सारी लिखी हुई है। एंड यहाँ पर ये सारे सिरिंजेस का रखा हुआ है, वायल्स रखे हुए हैं, निडल्स रखी हुई है। एंड यहाँ पे पोस्टर्स लगा रखे हैं, ये बायोमेडिकल का सेग्रीगेशन चार्ट है, किस तरीके से सेग्रीगेट करना है। तो इससे क्या होता है, अवेयरनेस भी रहती है, और कभी भी हम पढ़ भी लेते हैं जैसे रिवीजन के लिए, निडल स्टिक इंजरी हो जाए तो क्या करना है। एंड ये सीमेन कलेक्शन रूम है, तो यहाँ उसी के अपोजिट में काउंसलिंग रूम है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी पेशेंट का चेंजिंग रूम होता है वो है। तो यहाँ पे जो सीमेन कलेक्शन रूम में एक बेड लगा रखा है, तो यहाँ पे पेशेंट कंफर्टेबली अपना कलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये IUI रूम है, जो कि इंट्रा यूट्रा इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का टाइप होता है, बेसिकली एक ये प्रोसीजर है फॉर ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी। तो इसके अंदर ये अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई है, तो अल्ट्रासाउंड मशीन में आपको सारा पूरा शो होता है, जितनी भी ओवरीज है, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, एंड सबके आप पोजीशन लिख सकते हो जो फॉलिकुलर चार्टिंग होती है उसके अंदर। एंड देन यहाँ पे पूरा सेटअप कर रखा है। एंड ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर आपको ये सारे इंजेक्शन्स मिलेंगे, इंजेक्शन HMG IUI मीडिया, इंजेक्शन GC SF मिलेगा। एंड देन उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन का रूम है, तो रिपोर्ट बुक है, फॉलिकुलर चार्टिंग बुक है। एंड ये फाइल्स रखी हुई है अलग अलग डॉक्टर के हिसाब से। एंड ये इमरजेंसी ट्रे बना रखी है, तो यहाँ पे ET ट्यूब मिलेगी आपको, एम्ब्रू बैग मिलेगा, इमरजेंसी ड्रग्स मिलेगी, लेरिंजोस्कोप का सेट पूरा मिलेगा। एंड वायल्स रखी हुई हैं, जितनी भी इमरजेंसी ड्रग्स हैं वो रख देते हैं यहाँ पे एक एक। तो यहाँ पे सारी इसके अंदर हमारा इम्पॉर्टेंट होता है फॉलिकुलर चार्टिंग। तो फॉलिकुलर चार्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना। और इसी के साइड में मेडिकेशंस होती हैं, तो यहाँ पे पहले हम डेट लिखते हैं, डे लिखते हैं। एंड देन उसके लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, ET, एंडोमेट्रियल की थिकनेस, पेल्विक का फ्री फ्लूड की कंडीशन लिखते हैं। एंड उसका पूरा डायग्नोसिस, सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे आके हमने यही नोटिस किया इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पर जो मेरी 7वीं वार्डमेट थी, हमें यहाँ पे काम दिया था डॉक्यूमेंटेशन का, तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, जिससे हमें भी पता लगे कैसे करते हैं। एंड देन यहाँ पे छोटे सा कबर था, लोकल लाइक मेडिकेशन थी इसमें, एंड जो जो मेडिकेशंस है इसमें सारी थी, इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में थी, सारी लिस्ट बना के रखनी होती है हमें हॉस्पिटल में। एंड उसके यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है, बीटाडीन वगैरह। एंड देन ये नेम ऑफ जो भी आर्टिकल्स है उसके एक्सपायरी डेट के साथ,
बहुत अच्छे तरीके से सेटअप की हुई सो थी। गाइस अभी हम आए ब्रेक पे एंड हमें सिस्टर ने यहाँ पे जो IVF का स्टाफ है बहुत ही अच्छा है एंड हमें ढोकला खाने को दिया है एंड मेरे साथ है मेरी फ्रेंड साक्षी। सो दो दो बच्चों की यहाँ पे लगती है। सो अभी हम खाते हैं। साक्षी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और खाने के लिए हमारा क्या होता है हमें खाने जब भी हम हर जगह जाते हैं हमें खाने के लिए मिलता है, स्टाफ अच्छा मिलता है। सो गाइज अब मैं आ चुकी हूँ IVF सेंटर से एंड मैंने चेंज कर लिया है। तो IVF सेंटर में आज मेरा एक्चुअली फर्स्ट डे ही था। तो हमने बस वहाँ पे मैंने ये देखा कि वहाँ पे सिर्फ हमें ऑब्जर्व करनी होती है चीज़ों को एंड वहाँ पे जो फॉलिकुलर चार्टिंग होती है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कौन सी टैब्स लिखी है, कैसी वहाँ पे थिकनेस एंडोमेट्रियल थिकनेस के बारे में पढ़ता है, राइट ओवरी की कंडीशन, लेफ्ट ओवरी की कंडीशन क्या है, क्योंकि उसके और उसके अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन होती है, क्योंकि उसमें मेनली क्या होता है हमें ओव्यूलेशन करवाना होता है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। तो उसके अंदर हमने अल्ट्रासाउंड रूम में भी देखा कि कैसे फॉलिकुलर की स्टेज है, तो वो पूरा अल्ट्रासाउंड में हमें शो करा था डॉक्टर ने एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब पहली बार मैं वहाँ पे गई थी एंड बहुत ही अच्छा लगा सच में, क्योंकि हमने 11th 12th में भी ऐसी IVF ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है एंड जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट आज हमने लाइव भी देखा उस चीज़ को एंड SCG का जो सैंपल बनता है वो कैसे लेते हैं तो ये भी देखा हमने। सो आई होप आपका भी जल्द से एडमिशन हो, आपको भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले। तो अभी जस्ट मैं आ गई हूँ एंड अभी मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि हमारा 4 to 6 रेस्ट का ही होता है, देन उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं वार्डमेट्स। सो अभी मैं आपको नहीं बताऊँगी, आपको जब हम प्लान करेंगे जब आपको शो करूँगी जब मैं आपको दिखाऊँगी। सो अभी करती हूँ मैं रेस्ट थोड़ी देर जिससे मैं अच्छा सा व्लॉग भी बना पाऊँ। सो आई विल कैच यू लेटर। 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Hey guys, so अभी शाम हो रही है तो मैंने नैप लिया, देन उसके बाद हम कॉफ़ी वगैरह पीने गए। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं, मेरी फ्रेंड है पूनम, आपने हॉस्टल टूर में देखा होगा, तो उसके रूम में हम मैक्रोनी पार्टी रखी है तो हम सब मिलके मैक्रोनी बनाएंगे, थोड़ा सा फ़न करेंगे। तो मैंने सोचा ये अच्छा सा मोमेंट क्यों ना मैं कैप्चर करूँ अपने ब्लॉग में। सो अभी चलते हैं उसके रूम में, बट उससे पहले मुझे जाना है साइन करने, तो मैं साइन करके आती हूँ क्योंकि साइन इज़ मैंडेटरी यार, उसके बिना वार्डन फिर चीची करते हैं। तो अभी हम साइन करके आते हैं, देन उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ उसके रूम में एंड पूरा दिखाती हूँ कैसे इंजॉय करते हैं। सो लेट्स गो। सो अभी मैं जा रही हूँ पूनम के रूम में, तुम सब आ चुके हैं, मैं ही लेट हूँ। यहाँ पर तो माहौल बना हुआ है, यहाँ पर देखो बॉयल करने के लिए भी रख दिया बच्चों ने, इस पे हम बनाएंगे मैक्रोनी एंड यहाँ पे हमारा सारा सामान है। अभी हमने सब प्रिपेयर कर लिया, यहाँ पे हमारा सारा मैक्रोनी पार्टी का क्या है इंतजाम इंतजाम है। सो हम दोनों शेफ हैं एंड ये वेल्ले बच्चे इधर बैठे हैं, ये चॉपिंग करेंगे। ये देखो चॉपिंग के नाम पे या वीडियो के नाम पे छुप गए भाई, ये चॉपिंग करेंगे। सो यहाँ पे बच्चे चॉप कर रहे हैं, चॉपिंग एक्सपर्ट। नेहा कैसा लग रहा है चॉप करके? अच्छा लग रहा। चॉपिंग करते नहीं है ना यार, अभी वॉश होने जाएंगे पे। हाँ अच्छा वो बता दें तो बच्चे सोचेंगे अनहाइजीनिक कैसे हैं बच्चे। बहुत हाइजीनिक है, तुम्हें क्या बता। अरे जल्दी जल्दी नहीं कर रहे यार, यहाँ पे अभी हम फ्री है। मेरा ही लेगी क्या? तू ही तो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ये यारी चल रही है रूपल पीछे। साक्षी फ्री में नहीं मिलेगी मैक्रोनी, इसको काटो, कोई मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये काट दूंगी। अरे इसको वॉश करके लिया यार, कितने डालोगे तुम? अरे सारी वॉश करके ऐसा होगा ऐसा होगा, तू खा ही नहीं पाएगी। बस वॉश करा, बाकी चिली फ्लेक्स डाल देंगे हम आज, हम मिर्च से भर देंगे। हाँ ठीक है। एंड कैमरा मैन कौन है? ये भी दिखा नहीं। बड़े लोग ऊपर बैठे हैं, यहाँ पे हम शेफ जो बना रहे हैं वो नीचे बैठ के बना रहे हैं। और मैं भी कुछ कर रही हूँ, मेरे बारे में भी बोल दे कुछ। क्या कर रही है? जा रहा तू गाने से पार्टी भी नहीं दी, न्यू फोन लिया है।
हाँ पार्टी भी नहीं दी हमारे साक्षी कंजूसी रहेगी तो फोर्थ ईयर में भी। सो अभी हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं मेयोनीज चिली फ्लेक्स के साथ और यहाँ पे बच्चे गाने बजा रहे हैं। सो अभी यहाँ पर मिक्स होगा पहले तो। रुक जा कितनी मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी ये बता दो क्या करता है। ज्यादा तीखी खानी है या कड़वी थी? नॉर्मल So, अभी हमारी मैक्रोनी हो गई रेडी है सब अपना लास्ट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो डाल के। ऐसा लग रहा है वो दे रहे हैं आहुति सच में मतलब एंड में तेरी बारी अब लास्ट में क्या करेंगे अब मेरी बारी लास्ट में बहुत अच्छा लग रहा है देखने में अल्लाह पीछे कर ले अब तेरी आवाज भी आ रही है नेहा बहुत अच्छा लग रहा है बोलते हुए शक्ल नहीं आई पर आवाज जरूर आई नेहा की आवाज ही थी अच्छी खाना पड़ेगा कैसा बनाया मैक्रोनी ये कौन सा सिंबल है ये कौन सा सिंबल ये देखो यार तू कैसे चुप रहे हो जैसे ये देखो ये मेरे प्यारे बॉर्डमेट है दोनों ये देखो ये ब्लैक ब्लैक दोनों सेम यार आप बताओ है ना अच्छा है ना थैंक यू ओह सो गाइस हमने डिनर कर लिया है तो अब हम करेंगे डांस सो अभी लाइट ऑफ कर दे। सो गाइस हमारी हो चुकी है पार्टी एंड एंड दे आर ऑल माय वार्डमेट्स पूनम सो कैसा था पार्टी वेरी टायर्ड रियली एंड नाउ वी आर गोइंग टू आवर रूम्स एंड क्योंकि कल हमारा वार्ड है सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।